अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें पूरे पंजाब से मेल्स और फीमेल्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसका मुकम्मल क्राइटेरिया और प्रोसेस जो है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पर जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं लाहौर हाईकोर्ट की डायरेक्टली वेबसाइट पर और वहीं पे आपको ऐड दिखाते हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस भी उनकी वेबसाइट पे ही दिखाते हैं। तो आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है lse.gov.pk। lse का मतलब लाहौर हाई कोर्ट। और इसको आपने पहले जो लिंक है ऊपर वाला इसको देखना है और नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ये आखिर में, तो डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आप इसको नीचे देख सकते हैं, आपको जॉब नज़र आ रही होगी या आप नीचे से देख सकते हैं, तो आपने जॉब्स पे क्लिक करना है ये। इसके बाद ये आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं वैकेंट पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ऐड है वो नज़र आएगा और अप्लाई नाउ पे ये बाद में आपको बताएंगे। एडवर्टाइजमेंट पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने आपकी गैलरी में PDF फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आपके सामने ओपन हो जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नॉन ग्रेजुएट स्टाफ है ये, तो सबसे पहले इसमें कुक की पोस्ट है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा ड्राइवर है, इसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट है, इसके अलावा देख सकते हैं कुक तंदूरशी वगैरह इसमें है, इसके अलावा हेल्पर कुक है, हेल्पर तंदूरशी है, और इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट इसमें जॉब्स हैं, माली की, स्वीपर, फ्राश, और इसके अलावा आप देख सकते हैं वाटरमैन, और इसके अलावा डिफरेंट इसमें पोस्ट हैं ये आप देख सकते हैं। तो इसमें डिसेबल कोटा भी है, वोमेन कोटा भी है, तो पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 27 मई है, 27 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। तो 27 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हेड आपने रीच कर लेना है। इसमें मोस्टली जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, मिडिल और प्राइमरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप अप्लाई कैसे करना है ये आपने सारा एक बार रीच कर लेना है। तो इसमें आपने बैक आ जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सामने ही लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करनी है, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड देना है, कोई भी ऐसे पासवर्ड जो आपको आसानी से याद रह सके इसका पासवर्ड देना है, और ये जो आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं 98+48 ये आपने यहाँ पे लिखना है, और इसके अलावा इसका आंसर देना है, सॉरी 98+48 कितने बनते हैं आंसर देना है, और लॉगिन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई भी, इस तरह से, और फिर आपने पासवर्ड देना है, और ये फिर आपने इसका आंसर देना है, मतलब 98+48। नीचे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि इसका आंसर टेप हेयर आंसर, मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो 146 ये बन जाते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है, सॉरी ये कह रहा है रजिस्टर करें यहाँ पे, तो रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और इसका जो ये आंसर है यहाँ पे आपने लिखना है, मतलब अपना नाम यहाँ पे लिखना है, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है इस तरह से, फिर पासवर्ड अपना लिखना है और दोबारा कंफर्म पासवर्ड करना है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये इसको आपने प्लस करके पकड़ के इसके नीचे आंसर लिखना है और रजिस्टर कर देना है। तो इस तरह से आपने इसका पासवर्ड वगैरह जो है ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह ये सब कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, तो उसमें आपने एप्लीकेशन जो बायोडाटा आपका है वो आपने इंटर करना है।
तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो उसके ये इस तरह से आपका ऑनलाइन अप्लाई जो है हो जाएगा। 27 मई तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपने जो पासवर्ड है उसमें डिजिट्स जो हैं अल्फ़ाबेट्स और इंग्लिश के कोई वर्ड्स, इस तरह से आपने पासवर्ड लिखना है जो मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो, वो आपने पासवर्ड यहाँ पे देना है। फिर जो आपका है वो अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। 27 मई तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।